स्टूडेंट्स टूडे वी विल लर्न अबाउट डिजीज डिसऑर्डर एंड इंजरीज ऑफ द जॉइंट एंड दिस इज़ पार्ट टू फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल तो जो पहला फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने भी कुछ यही जॉइंट की प्रॉब्लम देखी थी जिसमें कि हमने स्ट्रेन एंड स्पीड जो स्ट्रेन एंड स्प्रेन देखा था उसके काजेज ट्रीटमेंट ये शॉर्ट में मैंने बताया था उसके बाद हमने जो है रोमोटेड अर्थराइटिस देखी थी उसके भी की पॉइंट देखे थे कुछ काजेज और ट्रीटमेंट ठीक है शॉर्ट में हमने पढ़ा था तो आज हम देखेंगे कुछ जॉइंट की अदर प्रॉब्लम जो कि है कॉमन जॉइंट इंजरीज़ है जो कि शोल्डर इंजरीज हो सकती है एल्बो इंजरीज हो सकती है नी इंजरीज हो सकती है तो ये आज हम देख लेंगे तो जो इसमें पहली बार इसको देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें जिससे कि इसकी जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए जब भी इसमें कोई भी वीडियो अपलोड होता है अगर आपके काम के तो आप उसको ले लीजिएगा अगर आपके काम के नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा मतलब जो बेल आइकन है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए तो चलिए आज हम ये वाले जो कॉमन इंजरीज हैं देखते हैं जिसमें कि शोल्डर है और नी है एल्बो है तो कॉमन शोल्डर इंजरीज में जो आती हैं वो है रोटेशन कफ टीयर्स हो सकता है डिसलोकेशन हो सकता है एंड सेपरेटेड शोल्डर हो सकता है ठीक है आ, मतलब ये अपनी जगह से जैसे रोटेटेड कफ़ ट होगा तो जो ये आगे इसके बारे में मैं बताऊँगी आपको कि वो कैसे टीयर हो जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम आती है डिसलोकेशन में अपनी जगह से हट सकता है सेपरेट सेपरेट separate जो होता है वो भी शोल्डर जो होता है वो सेपरेट हो सकता है तो इस मतलब उसकी जो कुछ इस तरीके से फ्रैक्चर होगा या लिगामेंट प्रॉड टीयर होंगे या मसल्स प्रॉब्लम आएगी तो ये सारी प्रॉब्लम आती है और जो इंजरीज होती हैं एल्बो में वो कैसे होंगे एल्बो की अगर बात करें तो ओवर यूज़ से ये सभी में चाहे वो नी हो शोल्डर हो या फिर एल्बो हो तो वो ओवर यूज ऑफ जॉइंट से होती है ठीक है तो ये तो मेन कॉज है इसका सभी का और ये नी का ही नहीं है एल्बो का ही नहीं है सभी का है दीज इंक्लूड टेनिस एल्बो एंड द गोल्फर्स एल्बो तो ये ये जो होती है एल्बो की इंजरीज होती हैं जो कॉमन है और कॉमन नी इंजरीज कैन ड्यू टू द ओवर यूज जैसे मैंने बताया कि ओवर यूज़ तो सभी का कॉज है ठीक है ड्यू टू ट्रामेटिक टीयर तो जो नी होगा उसमें कैसे होगा ओवर यूज़ करने से होगा ट्रोमेटिक टयर से होगा जैसे कि एज द कॉमन है उसमें ए सी एल यानी कि एंटीक्रूसियट लिगामेंट के टीयर होने से होगा यानी कि जो कनेक्टेड टिश्यू ऑफ द नी होते हैं उसमें जब इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से ये होता है ठीक है और ये ज़्यादातर जो होता है ये स्पोर्ट्स पर्सन को होता है ठीक है तो ये आप देख पा रहे हैं तो ये हो गया आपका रोटेटर जो मैंने बोला आपको रोटेटर कफ टीयर तो ये है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर है ये ये है ये कफ रोटेटर कफ़ है ठीक है ये मैं आगे बताऊंगी आपको और ये तो आपको पता ही है ये बाइसेप मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं ये सारा जॉइंट्स है शोल्डर का ठीक है और ये जो होती हैं ये लिगामेंट्स है ठीक है आ, तो इस तरीके से ये शोल्डर के बारे में है ठीक है तो अभी हम आगे आगे देखेंगे इसमें इस्केपला है शोल्डर जॉइंट्स हैं ठीक है ये है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप इस्केपला है और जो कि इससे जॉइंट इस तरीके से ये आपस में मिल के यहाँ पर क्या करते हैं कनेक्ट होते हैं तो ये क्या होंगे आपस में सेपरेट हो जाएंगे ठीक है तो इसको बोलते हैं शोल्डर सेपरेटेड नहीं तो ये सब आपस में क्या रहते हैं जॉइंट रहते हैं ठीक है ना तो ये इस तरीके से ये यह यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा शोल्डर ठीक है और आगे हम देखेंगे अब इसी के बारे में पढ़ते हैं तो शोल्डर इंजरीज़ में क्या होगा कि दिस इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इसमें कैसे होगी इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ द जॉइंट इंजरी जब क्या होता है कि आ, मतलब ये जो इंस्टेबिलिटी इंजरी की जो आ, संभावना होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है मतलब जो इसके जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं शोल्डर की इंजरी इनस्टेबिलिटी जो इंजरी होती है उसके वजह से ये चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं जिससे कि अक्सर क्या होता है डिजनरेशन प्रोसेस होता है जिससे कि जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और अच्छी तरह से फिर क्या नहीं कर पाते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं ये देखिए आप देख पा रहे हो कि लॉन्गर फंक्शन वेल जो होता है उनका वो ब्रेक हो जाता है जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और नो लॉन्गर फंक्शन हो जाएगा उसका मतलब कोई भी फंक्शन उसका ठीक से नहीं हो जाएगा नहीं हो पाएगा ठीक है ये किसकी वजह से होता है जब अनस्टेबल होता है इनस्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर दे देती है जॉइंट इंजरी को ठीक है और ये क्या करते हैं डीजेनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो कि uh, उसका लीड करते हैं उसको डिजेनरेशन प्रोसेस को जिसमें कि जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं ठीक है जो इसी में हम देखते हैं कि जो रोटाटर कफ ईयर होता है मैंने आगे बोला था आपको कितने जो तीन तरीके के होते हैं तो उसमें था रोटाटर कफ ईयर तो ये जो टाम होता टर्म होता है रोटाटर कफ रेफर टू ग्रुप ऑफ फोर टेंडेंट्स मतलब कि जो फोर टेंडेंट्स होते हैं उसका एक ग्रुप होता है उसी को रोटाटर कफ कहते हैं ये आप देख पा रहे होंगे दो ऊपर है उसके बाद नीचे भी हैं ये पूरा ऐसे ग्रुप सा बना रहता है फोर उसका टेंडन का तो, तो दैट ब्लेंड्स टुगेदर जब ये एक साथ क्या होते हैं एक साथ मिलते हैं अटैच होते हैं तो अपर एंड ऑफ द आम बोन यानी कि जो आम होती है उसके अपर एंड में ये एक साथ अटैच होते हैं ठीक है यानी कि ये ह्यूमरस जो ह्यूमरस की जो बोन है उसी के ऊपर ये रहते हैं एक साथ आ, मतलब आ, कम अटैच रहते हैं इसी को बोलते हैं रोटाटर कफ वो ये जो होते हैं नंबर में फोर होता है ठीक है नॉर्मली डीज टेंडन जो होते हैं वो ट्रांसमिट द फोर्स मसल्स ओरिजिनेट ऑन द शोल्डर ब्लेस यानी कि स्केपला टू द आर्म प्रोवाइडिंग द मोशन एंड स्टेबिलिटी ठीक है तो इनका जो काम होता है नॉर्मली वो क्या होता है कि जो भी मसल्स की जो फोर्स uh, होती है यानी कि फोर्स ऑफ द मसल्स ऑरिजिनेट ऑन द स्केपला ब्लेस जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्केपला ब्लेस से ओरिजिनेट होती है जो फोर्स होती है मसल्स की जब फोर्स लगाया जाता है तो वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है स्केपला जो से वो ब्लेस से जो होती है वो ओरिजिनेट होगी और ट्रांसमिट कहाँ पे होगी प्रोवाइडिंग मोशन मतलब उसको वो ट्रांसमिट करने का काम करता है यानी कि जो मतलब उसको क्या करेगा कि जो आम होता है पूरे आम में उसको आ, क्या करेगा प्रोवाइड करेगा जो उसका आ, फोर्स है उस आगे को उसको मतलब ट्रांसमिट करेगा आमतौर से मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जो नॉर्मली ये जो टेंडन होते हैं ये मोशन और स्टेबिलिटी को क्या करते हैं आ, का काम करते हैं उसको बनाए रखने का ठीक है तो जो जो शोल्डर ब्रो ब्लेस होता है यानी कि जो स्केपला से जब जो प्रोवाइड होने वाली जो मस्क्युलर जो आ, फोर्स होता है उसको क्या करते हैं ये आम तक का पहुँचाते हैं ठीक है तो ये आप देख पा रहे हैं ये मैंने आगे भी दिखाया था आपको वही है ये जॉइंट है जॉइंट स्केपला है ये ठीक है यहाँ पर इस कैपला का जॉइंट है ये जो होती है ये रोटाटर कफ है जो मैंने बताया आपको कि ये क्या होती है ग्रुप ऑफ टेंडन होती है फोर टेंडन की ठीक है तो यही सब है यहाँ पे को लिगामेंट से होता है जुड़े रहते हैं जो ठीक है तो डिफेक्ट इन द रोटाटर कफ कैन कम फ्रॉम द इंजरी कफ टीयर और फ्रॉम डिजेनरेशन कफ वियर कहने का मतलब क्या है कि जो रोटाटर कफ है ये जो डिफेक्ट होता है इनमें रोटाटर कफ़ में तो इसके डिफेक्ट के वजह से क्या हो सकती है जो इंजरी हो सकती है ठीक है इंजरी हो सकती है कैसे हो सकती है और वो टीयर मतलब उसका जो डी जनरेशन हो जाएगा और टीयर और वियर हो जाएगा मतलब जो कफ जो टीयर वियर का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन हो जाना मतलब टूट जाना उसका ठीक है इस तरीके से तो इंजरी हो जाएगी कफ़ टियर हो सकता है और फ्रॉम डी जनरेशन यानी कि डी जनरेट भी हो जाएगा तो डी जनरे जो डिग्री ये जो द डिग्री टू विच अ टेंडन इज रिपीट री जो इसका जो रिप्रेबल होता है यानी कि इसको जो रिपेयर कर सकते हैं वो कैसे कर पाएंगे कि इसकी कितना तक का ये कितनी डिग्री तक का ये प्रॉब्लम आई है ठीक है तो ये इस पर डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी और क्वान्टिटी पर कि कितना डिग्री तक ये क्या हो सक कितना अल्टर्ड हो चुका है तो ये रिपेयर करने की जो कंडीशन होती है वो इस पर डिपेंड करती है इसकी क्वालिटी पे कि कितने तक का ये प्रॉब्लम आई है तो डिजेनेरेट जो भी डिजनरेटेड क्रेंडेंस होते हैं वो आ, इसका जो आ, फ्रेट एंड रिटेस जो होता है इसका रिट, आ, मतलब रिट्रैक्ट ठीक है रिट्रैक्टेड एंड में नॉट बी जो होते हैं अमेंडेड टू रिपेयर यानी कि जो डीजनरेसन का जो प्रोसेस होता है जो इसमें हुआ है उसका मतलब होता है कि डी टेंडन जो होते हैं वो क्वालिटी uh, क्या है इसकी कितना तक का वो क्या हो सके रिट्रैक्ट हुआ है तो ये इस पर डिपेंड करता है कि वो रिपेयर करने के मतलब एबल है या नहीं है तो ये इसके एबल नहीं होता है अगर ये इसका ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इसका जो मतलब कि क्या कहना चाहिए कि लार्ज अमाउंट में जब अगर ये है मेजर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये इस पर डिपेंड करेगा जो डिजनरेशन टेंडन जो टेंडन होते हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे तो उससे कभी कभी क्या होता है कि उसको रिपेयर करने में क्या हो सकती है प्रॉब्लम आ सकती है इंडिविजुअल दैट आर एल्डरली स्मोकर दोज हैविंग हैड कॉर्टिसोल इंजेक्शन और ऑफ़न है वी कैन टेंडन टिश्यू दैट फेल्ड विदाउट अ सिग्निफिकेंट इंजरी ठीक है तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पेशली जो एल्डरली और इस्मोकरस होते हैं एल्डरली पर्सन होते हैं तो उनकी तो एज के वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है स्मोकरस को स्मोक के वजह से हो रही है और कुछ पर्सन ऐसे होते जो कॉर्टिकोन इंजेक्शन या कॉटिसो कौर, मतलब जो कॉटिसोन इंजेक्शन या मेडिकेशन जैसे भी वो ले रहे होते हैं उससे क्या होता है कि जो उनकी जो टेंडन इश्यू होते हैं वो वीक हो जाते हैं ठीक है और वो किस कैसे हो जाते हैं वीक होने के बाद वो टीयर हो सकते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंजरी कोई भी इंजरी नहीं हो रही है लेकिन फिर भी उनको क्या हो रहा प्रॉब्लम आ रही है ठीक है बिना किसी इंजरी के भी वो क्या हो सकते हैं वीक होने की वजह से टेयर हो सकते हैं और बाई कंट्रास्ट जो होता है इसी के विपरीत अगर देखें तो जो पर्सन जो होते हैं वो, वो, वो टेंडन वॉज टॉन बाई अ टॉन जो सॉरी कहाँ पे थे हम लोग हाँ ये तो जो दोज हुज टेंडन वॉज टॉन बाई अ सबस्टेंशियल फॉल यानी कि कुछ लोगों में क्या होता है इसके विपरीत ऐसा देखा जाता है कि अगर वो ऐसा ना भी ले रहे हैं लेकिन अगर वो क्या हो रहे हैं कुछ सबस्टेंशियल फॉल ऑफन हैव गुड क्वालिटी टेंडन दैट कैन बी रिपेयर ठीक है अगर वो उनकी जो टेंडन है अगर वो किसी वजह से क्या हो रहा है सब्सटेंशियल फॉल मतलब होता है कि अगर वो लार्ज अमाउंट में है यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो लार्ज है लेकिन वो गिरने से हुई है या किसी भी तरीके से इस चोट लग के वजह से हुई है लेकिन अगर उन टेंडन की क्वालिटी क्या है लार्ज होने के बाद भी गुड क्वालिटी है यानी कि प्रॉब्लम तो आई है मगर वो अभी क्वालिटी उनकी ठीक है उन टेंडेंट्स की ठीक है तो क्या कर सकते हैं उसको रिपेयर कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा आफ्टर द इंजरी जो होता है उसको जल्दी से क्या करना पड़ेगा ऑपरेट करना पड़ेगा तो वो क्या हो सकते हैं रिपेयर हो सकते हैं रोटाटर कफ ईयर में ठीक है तो यही है आप देख लीजिए यहाँ पर ये ये जो ऊपर वाला आप देखिए फुल थिकनेस टीयर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फुल थिकनेस टीयर है ये ठीक है और रोटाटर कफ में और यहाँ पे देखिए पार्शल थिकनेस टीयर है यानी कि ये पूरी तरीके से अभी नहीं टीयर हुआ है मतलब ये हल्का आधा टीयर हुआ है और ये फुल हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये टीयर हो जाता है फुली तो ये हो गया टोन रोटाटर कफ ठीक तो ये प्रॉब्लम देता है दूसरी प्रॉब्लम है डिसलोकेटेड शोल्डर तो डिसलोकेटेड शोल्डर का मतलब से आप समझ गए होंगे इस हेडिंग से ही कि जो शोल्डर जॉइंट की प्रॉब्लम होती है तो द शोल्डर जॉइंट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिसलोकेटेड मेजर 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 जॉइंट ऑफ द बॉडी यानी कि ये एक ऐसा मेजर जॉइंट हम मान सकते हैं बॉडी का जो फ्रिकुनली डिसलोकेटेड वाला होता है यानी कि जो शोल्डर जॉइंट होते हैं वो फ्रिक्वेंटली डिसलोकेटेड जो जॉइंट होता है वो एक बॉडी का जो होता है ये मेजर जॉइंट माना जाता है ठीक है यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो शोल्डर जॉइंट होता है वो क्या रहता है कि ज़्यादातर ये फ्रीकुंटली डिसलोकेटेड होता है और ये एक मेजर जॉइंट होता है बॉडी का ठीक है तो इससे भी बार बार अगर ये ऐसे करके डिसलोकेट होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी तो इन टिपिकल केस ऑफ डिसलोकेटेड शोल्डर इस्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब ये जो होता है ये कैसे होता है डिसलोकेटेड फोर्स uh, मतलब शोल्डर यानी कि अपनी जगह से हट जाना डिसलोकेटेड शोल्डर का मतलब हुआ अपनी जगह से जो नॉर्मल पोजिशन है वहाँ से हट जाना उसका तो वो कैसे होगा जब उसमें स्ट्रोंग फोर्स अप्लाई होगा ठीक है यानी कि जितना उसको उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर उस पर फोर्स पुल करेंगे पुल द शोल्डर आउटवर्ड तो फोर्स लग रहा है उसमें तो जो शोल्डर होगा वो आउटवर्ड पुल होगा यानी कि बाहर की ओर को वो क्या होगा आउट uh, हो जाएगा जैसे कि अबडक्शन कहते हैं ना उस पोजिशन को जबकि अपने से बाहर अगर वो निकलता है और एक्सट्रीम रोटेशन ऑफ द पॉप्स द जो बॉल ऑफ द ह्यूमरस आउट ऑफ द शोल्डर शॉक तो अगर उसमें एक्सट्रीम रोटेशन हो यानी कि अगर उसको एक्सट्रीमली रोटेट करेंगे तो जो जो जॉइंट होता है शोल्डर का यानी कि जो बॉल होती है शोल्डर बॉल जो होती है यानी कि जो ह्यूमरस की जो बॉल होती है ये देख पा रहे होंगे आप तो ये क्या होती है उसके जो सॉकेट होता है ये जहाँ पे फिट होती है सॉकेट बोलते हैं उसको तो उस सॉकेट से क्या होती है ये बाहर की ओर आउट हो जाती है उसमें एक फिर एक आवाज़ भी होगी जिसको कि पॉप्स बोलते हैं जॉइंट्स पॉप तो एक आज के साथ वो क्या होगी अपने जगह से बाहर आ जाएगी अगर उसमें स्ट्रिंग एक्सट्रीमली रोटेट उसको किया जाएगा ठीक है मतलब उससे ज्यादा ओवर यूज़ हो रहा है तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं तो जिस लोकेशन जो कॉमनली अकर वेन देर इज अ बैकवर्ड पुल ऑन द आर्म अगर इसको जो डिसलोकेशन कॉमनली कब होता है जब जो हमारा जो आर्म होता है उसको बैकवर्ड पुल किया जाएगा और दैट इधर द मसल्स जो मसल्स होती हैं वो क्या रहती हैं अनप्रिपेयर्ड रहती हैं उस समय टू रेजिस्ट उसको रोकने के लिए जो मसल्स होती हैं वो उससे क्योंकि वो क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा उसको बैकवर्ड क्या किया जा रहा है पुल किया जाता है तो जो मसल्स होती हैं वो उसको नहीं रेजिस्ट कर पाती हैं तो उसमें क्या हो रहा है ओवर बैम द मसल्स तो मसल्स में भी क्या हो रहा है ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इसके वजह से वो उसको रोक भी नहीं पाएंगी रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि इसकी उसमें एक्सट्रीमली क्या हो रही है फ़ोर्स uh, हो रहा है यानी कि वो एक्सट्रीमली उसको वो, मतलब वो बैकवर्ड पुल हो रहा है तो जिससे वो क्या होगा एक तो ये भी हो सकता है उससे ठीक है तो डिसलोकेशन कॉमनली अक्कर जब क्या होता है देयर इज़ अ बैकवर्ड पुल ठीक है ऑन द आर्म जब आर्म में बैकवर्ड पुल करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मसल्स होती है वो प्रिपेयर नहीं होती उसको रोकने के लिए ठीक है और वह ना शोल्डर डिसलोकेटेड फ्रिक्वेंटली जब ये शोल्डर बार बार डिसलोकेट होता रहता है अपनी जगह से यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनका शोल्डर क्या होता है बार बार आउट होता रहता है अपनी जगह से तो वीक हो जाता है क्योंकि तो इस कंडीशन को कहते हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी तो इनका उसको इस नाम से बोलेंगे कि इसकी तो क्या है शोल्डर इंस्टेबिलिटी है तो ये बार बार क्या हो जा रहा अपनी जगह से हट जाता है तो ये जो होता है पार्शली भी होता है और ये जो होता है ये पार्शल डिसलोकेशन को क्या कहेंगे वेर तब होता है जब अपर आम बोन जो होती है वो पार्शली यानी कि जो ऊपर की जो आम होती है आम जो बोन होती है वो क्या होगी ये पार्शली इन एंड पार्शली आउट यानी कि आधी तरीके से बाहर वो आउट होती है अपनी जगह में से ठीक है अपने सॉकेट में से आधा बाहर निकल के आती है इसको बोलते हैं सब uh, इसको बोलेंगे आप सब लोकेशन बोलते हैं इसको ठीक है सब लक उसको बोलते हैं आप सब लोकेशन तो ये एक आ, मतलब सब लक्सेशन बोलेंगे इसको तो कहने का मतलब है सब लक्सेशन और डिसलोकेशन एक ही चीज आप मान को बोल सकते हैं सब लक्सेशन का मतलब हो गया पार्शल डिसलोकेशन ठीक है अगर ये वर्ड भी आता है तो इसका मतलब है पार्शल डिसलोकेशन यानी कि पूरी तरह का पूरी तरीके से अपनी जगह से हटी नहीं है वो जो आम बोन होती है मतलब जो ह्यूमरस की जो आ, है बॉल है वो क्या है पार्शली आउट हुई है अपनी जगह से बाहर की ओर आधी निकली है ठीक है और इन मेडिकल कम, कम, टर्म आ, आ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जो डिसलोकेशन इज़ द कॉमनली रेफर इज़ नोन एज लक्सेशन तो मैंने जैसे बताया आपको लक्सेशन का मतलब ही डिसलोकेशन है अगर उसी में आप पार्शली लगा देते हैं तो मतलब वो पार्शली तरीके से क्या है बाहर आउट हुई है ठीक है तो ये कहने का मतलब अब इसको कैसे कम कर सकते हैं डिसलोकेशन को तो इसको कर सकते हैं सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि जो पर्सन है उसको अपने को क्या करना है अलाउ करना है डाउन मतलब उसको ले डाउन मतलब लेट जाना है सीधे तरीके से आराम से और उसमें क्या करना अपने है, है अपने जो शोल्डर होते हैं उसको रिलैक्स रखना है अपनी बॉडी से टच करके ठीक है जैसे और ये जो हो गया इसमें क्या होता है कि जो स्लोली रीच द डिसलोकेटेड आर्म आउट अब जो डिसलोकेटेड आर्म है उसको धीरे से क्या करना है ओवर अपने सर के ऊपर से ले जाते हुए उसको ऊपर की ओर से लेके दूसरे साइड की ओर को जाना है आराम से धीरे से ठीक है स्लोली और फिर तीसरे में क्या करना है उसको क्या करना है रोटेट करना है पहले तो ऊपर ले गए सर के ऊपर फिर उसको स्लोली रोटेट करना है और योर हैंड बिहाइंड योर हेड अपने सर के पीछे लेके आना है ठीक है और ऐसे करना है जैसे कि जैसे कि एज इफ स्क्रैचिंग द बैक ऑफ योर नेक जैसे कि आप पीछे खुजलाते हैं ना अपने बैक के नेक में तो उस तरीके से ऐसे करके उसको लेके आना है ठीक है और फिर फोर्थ में क्या करना है आपको उसके अपने जो हैंड है उसको अपोजिट साइड में भी इस तरीके से लेके जाना है उसको अपोजिट शोल्डर को टच करते हुए ठीक है तो इसमें क्या होगा एज़ योर रीच जब आप उस तक पहुंचते हैं तो योर शोल्डर शुड पॉप बैक इन टू द प्लेस तो आपका जो यहाँ पे जो डिसलोकेट हुआ है शोल्डर वो क्या हो जाएगा वापस से सॉकेट पे जाएगा तो एक पॉप आवाज़ आएगी मतलब एक आवाज़ जो होती है ना जो दोनों बोन के जो आवाज़ होती है ग्राइंडिंग की वो आपको फील होगी ठीक है और ये जो होता है इसमें सीक मेडिकल अटेंशन ए एस ए पी ठीक है तो एज सुन एज पॉसिबल इसका मतलब